दोस्तों जितना इंडिया डिफेंस रिसर्च बजट में खर्च कर रहा है वो उतना काफी नहीं है कि ये एक ग्लोबल पावर बन पाए, ये हाल में ही कहा है पार्लियामेंट्री पैनल ने। दोस्तों इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि इंडिया एक ग्लोबल पावर बन पाए, ये पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है। दोस्तों जो अभी इंडिया का डिफेंस रिसर्च बजट है ये बहुत कम है, जब तक ये लगभग 100 बिलियन नहीं आ पाता है तब तक इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च है वो उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा जितना इंडिया को तरक्की करनी चाहिए। जैसा कि आप चार्ट पर देख रहे हैं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट जो है वो 877 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने बजट पर, चाइना 292, रशिया 86.4 और वही बात इंडिया की तो ये खर्च करते हैं 81.4 बिलियन डॉलर। इसलिए दोस्तों आने वाले जो नए मिसाइल्स होंगे, टैंक्स होंगे, फायर जेट्स होंगे, जो नई टेक्नोलॉजी होगी उसको फंडिंग करने के लिए इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों आपको इस बात में क्या कहना है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों हाल में ही IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को ये चेतावनी दी है कि आपका जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि इंडिया का जो टोटल डेब्ट है इसके GDP के बराबर हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत से ऐसे आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं जिसमें बताया गया है IMF वॉन्स इंडिया ऑन डेब्ट कंसर्न से इट में एक्सीड 100% ऑफ GDP। दोस्तों लगातार ऐसा ही कर्ज बढ़ते रहा इंडिया पे तो इंडिया बहुत बड़ी मुसीबत में भी आ सकती है। दोस्तों कांग्रेस का ये क्लेम है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो भारत का जो डेब्ट है वो 155 ट्रिलियन बढ़ चुका है। दोस्तों जो लेटेस्ट डेटा आप देखेंगे, जो बजट का अभी डेटा आया है उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट है 31 मार्च 2023 में वो था 152 ट्रिलियन और वो आज 31 मार्च 2024 तक हो चुका है 169 ट्रिलियन। दोस्तों भारत की इस बढ़ते डेब्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि मैसिव अर्थक्विक आया है चाइना के अंदर। दोस्तों इस अर्थक्विक में 116 लोग मारे गए हैं और 400 लोग इंजर्ड हो गए हैं। दोस्तों जो मृतकों की संख्या है और घायल होने वाली की संख्या है ये और भी आगे बढ़ सकती है। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि इस मैसिव अर्थक्विक के बाद भी क्या USA और इंडिया जो है वो चाइना की मदद करता है कि नहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो रशिया है वो मदद करने के लिए आगे आया है। दोस्तों आपको बता दूं कि पहले भी बहुत बार इंडिया ने चाइना की मदद की है पर चाइना नहीं सुधरता है और वो जहाँ भी देखता है कि इंडिया थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है तो वो अपने अड़चने लगाने लगता है। दोस्तों क्या इंडिया को चाइना की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हाल में ही सरकार की एक नई बिल बहुत ज्यादा खबर में आ रही है जिसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2020। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि गवर्नमेंट टू टेक पोजेशन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। दोस्तों जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन के द्वारा। दोस्तों ये जो बिल था अश्विनी वैष्णव के द्वारा सोमवार 18 दिसंबर को ये बताया गया था। दोस्तों इस बिल के तहत गवर्नमेंट कैन अलाउ टू टेम्पोरली टेक कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन केस ऑफ इमरजेंसी। दोस्तों आपका इस बिल के बारे में क्या कहना है कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।